इंडियन नेशनल लोक दल के एकमात्र विधायक व सर्वे सर्वा अभय चौटाला ने जेजेपी संस्थापक व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हिसार से जबरदस्त चैलेंज दिया है। ये चैलेंज उन्होंने हिसार में पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय ने कहा कि अजय चौटाला को जेल में भेज देने के बाद उनका बदला दुष्यंत चौटाला के माध्यम से लेने के लिए उन्होंने हिसार लोकसभा चुनाव में दिन रात एक कर दिए। उन्होंने दुष्यंत को हिसार लोकसभा से जिताकर संसद में भेजा, लेकिन वही लोग अभय को विधायक बनने का चैलेंज देते थे। आज वह इस मंच के माध्यम से उन लोगों को चैलेंज देते हैं, अगर हिम्मत है तो स्वीकार करें। उन्होंने साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने विकास कार्य के बजाय कोरोना महामारी की आड़ में हर वर्ग के लोगों को दुखी व परेशान किया है। अभय ने कहा कि आने वाला समय इनेलो का होगा। जनता समझ चुकी है कि जेजेपी, भाजपा और कांग्रेस एक ही टीम के सदस्य हैं। जेजेपी व कांग्रेस दोनों भाजपा की गोद में बैठकर प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्रा व दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा सदस्य बनने के खेल को राज्य की जनता ने अपनी आंखों से देखा है, जिससे पता लगता है कि कांग्रेस व भाजपा एक ही टीम है। अभय ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि वो हर रोज 2 घंटे निकालकर पुराने साथियों को समझाकर इनेलो में वापस लाएं। साथ ही बड़ौदा विधानसभा के संभावित उपचुनाव में अपनी जी जान लगाने का आह्वान किया है। उसके साथ ही अभय ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि देवीलाल परिवार के जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित करने का काम किया है, उनको भी इस उपचुनाव के माध्यम से सबक सिखाना होगा। वहीं उन्होंने इस दौरान सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने युवाओं को नशे की गर्त में जाने से रोकने के बजाय खुद शराब तस्करी करने का काम करवा रही है। वहीं अभय चौटाला ने यह दावा किया कि ये तो राज्य भर में उनका जिला स्तर पर लोगों को शामिल करने का पहला दौर है, इसके बाद दूसरा व तीसरा दौर चलेगा जो गांव-गांव तक जाएगा। इस दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोग इनेलो में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इनेलो को ज्वाइन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि राज्य में कुछ तो राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। आने वाले समय में कुछ बड़े नाम हैं जो इनेलो में शामिल होकर राजनीतिक धमाका कर सकते हैं। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। अलग अलग पार्टियों को छोड़कर के करीब 500 के करीब नए लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए थे। हम सब साथियों को पार्टी में शामिल मुझे करना पड़ा। वहीं साथियों ने अलग अलग जगह पे अपनी तरफ से कुछ कार्यक्रम रखे हुए थे, उसकी वजह से आपके बीच में आने में लेट हो गया। लेकिन परमात्मा ने आपके लिए एक अच्छा काम किया। जहाँ पिछले 3-4 दिन से लगातार उमस थी, गर्मी थी, परम पिता परमात्मा ने भी आज हमारे ऊपर मेहरबानी करके मौसम को भी तब्दील कर दिया, ठंडा कर दिया। जहाँ मौसम ठंडा हुआ है, भाई साथियों, आपकी आज की इस मीटिंग को बहुत सारे लोग देखेंगे जिनका खून बहुत उबाले मारता था, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे, जो प्रदेश में बड़ा बदलाव लाने की बात करके लोगों को कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश करते थे, आज उनका भी जोश और खून दोनों ठंडा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? साथियों, हम बहुत लंबे समय के बाद आज आपस में मिल रहे हैं। मैं जब हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सदस्य चुनकर के पहले विधानसभा के सेशन में गया था, और जब सेशन में जाने के बाद मुझे विधानसभा में बोलने से रोका जा रहा था, तो मैं प्रेस की गैलरी में ऊपर चला गया, और जब मैं प्रेस के लोगों से मिला
तो मुझे प्रेस के साथियों ने पूछा था कि अभय सिंह जी अब आप अकेले मेंबर रह गए, आपकी पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे आ गया, आपका 4% पहले से कम हो गया, आज कांग्रेस के लोग, जेजेपी के लोग, बीजेपी के लोग आपके बारे में कहते हैं कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। मैं प्रेस के साथियों की बात सुन रहा था और वो अपनी तरफ से मेरे सामने जो हमारे विरोधियों ने उनके कान में बातें डाल रखी थी, बारी बारी उनको बात को कह करके कहीं मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने प्रेस के साथियों से कहा था कि जुमा जुमा 4 दिन हुए नई सरकार को बने, आपसे 6 महीने के बाद आकर के फिर मिलूंगा। मैंने कहा कि जो लोग आज ये कहते हैं कि हम कहीं हाशिए पे आकर के खड़े हो गए, मैंने उन अखबार के साथियों से कहा था कि आप सब अपने हाथ से कलम से अखबार में लिखोगे। मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे उनसे कहा था कि आप सब अपने टीवी के ऊपर इस बात को स्वीकार करोगे कि जिस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक षड्यंत्र के तहत कमजोर करने की कोशिश इस भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्वार्थी लोगों के साथ मिलकर के कमजोर करने की कोशिश करी थी, अब 6 महीने के बाद फिर शिखर पे पहुंचेंगे। हम शिखर पे पहुंचेंगे जो षड्यंत्रकारी है इनके असली चेहरे 6 महीने लोगों के सामने बेनकाब हो जाएंगे और ये लोग फिर से हाशिए पे आकर के खड़े हो जाएंगे। साथियों, इस 8 महीने में जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करके, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता को बरगला करके लोग सत्ता पे काबिज हुए थे, आज वो लोग फिर से हाशिए पे आकर के खड़े हो गए। मुझे एक दिन का उनका एक भाषण आज भी याद है, भाई अजय सिंह जी का, उनका जन्मदिन जेजेपी मना रही थी और अजय सिंह जी को जब बोलने का मौका मिला था तो उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि अगर हम इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर इलाहाबाद में जाकर के अपने प्रत्याशी के लिए कहीं हम प्रचार प्रसार करते तो अजय सिंह भी विधानसभा तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने अपनी तरफ से सारी कोर कसर कोशिश करी, कोशिश तो साथियों यहां तक भी करी थी कि सारे के सारे परिवार के सदस्य मेरे खिलाफ माना करके कोर्ट मांग करके आए। जब उनको लगा कि तुम्हारी अगर बात पढ़ नहीं पाएगी तो फिर अंदर खाने बीजेपी के लोगों का समर्थन भी किया, लेकिन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास था, भरोसा था। मेरे चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने इस किस्म का प्रयास भी किया था कि मैं विधानसभा तक ना पहुंच पाऊं, इसके लिए अनेक केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई। राजस्थान के 25 से ज्यादा MLA को 3-3 गांव सौंप करके उनको कहा गया था कि किसी तरह से लोगों को अपने पक्ष में करके चुनाव को जीतने का काम करो, अर्थात पैसा बांटा गया और आखिर में तो देश के प्रधानमंत्री को मल्लिका गांव में ला करके मेरे खिलाफ एक जलसा करवा करके वोट मांगने का काम भी किया। अजय सिंह जी कह रहे थे कि अगर हमको अपने प्रत्याशी की मदद करते तो अभय सिंह विधानसभा में नहीं जाता, मेरे खिलाफ तो देश का प्रधानमंत्री वोट मांग कर के आया था, वो भी मुझे विधानसभा में जाने से रोक नहीं पाया। मैंने किसी भी सभा में इस बात की चर्चा नहीं करी थी
मैंने यहाँ इसलिए इस बात की चर्चा करी है कि यहाँ के लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कहने से दुष्यंत को मेंबर पार्लियामेंट बनाकर के लोकसभा में भेजने का काम किया। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मैं उस वक्त में चाहे हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए गया था, लेकिन शाम के 6 बजे हर हालत में हिसार के लोकसभा क्षेत्र के गांव में पहुंच करके पूरी रात लोगों से मिल करके कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उस बात को कि अजय का बदला दुष्यंत के माध्यम से लेंगे, इसलिए दिन रात उसके लिए मैंने काम करके उसको लोकसभा से आपके माध्यम से पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज एक बात कहना चाहूंगा, वो मेरे बारे में कहते थे कि विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता। अगर उन्हें इस बात का इतना ही घमंड है तो फिर उचाणा विधानसभा क्षेत्र से दुष्यंत को इस्तीफा दिलवाए। मैं अपना इस्तीफा इलाहाबाद से दूंगा, मैं उचाणा से चुनाव लड़ू और वो आकर के इलाहाबाद से चुनाव लड़े, मैं उचाणा से जीत करके आऊंगा और उनके इलाहाबाद में चुनाव लड़ूंगा। तो इलाहाबाद में स्वयं चुनाव लड़ू और ना मैं किसी परिवार के सदस्य को लड़वाऊ, बल्कि साधारण एक कार्यकर्ता को खड़ा करके इन जेजेपी वालों ने जिन्होंने लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया उनको सबक सिखाने का काम करूं। साथियों, इस 8 महीने में जिस सरकार से उम्मीद करते थे कि किए हुए अपने वायदों को पूरा करने का काम करेंगे, आज वायदे पूरे करने की बजाय इस कोरोना की आड़ के अंदर कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को दुखी किया, परेशान किया। आज तो जो कर्मचारी दिन रात इस कोरोना की महामारी के अंदर जहां लोगों की जान सुरक्षित रहे, अपनी जान हथेली पे लेकर के दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, सरकार के आदेश को मान करके अपनी ड्यूटी निभाते हुए लोगों की सुरक्षा के प्रबंध करने में लगे हुए थे, इस सरकार ने तो उन कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। इस सरकार ने जहां उन कर्मचारियों की तनख्वाह में से 20% पैसा काट करके कोविड के नाम पे मुख्यमंत्री के फंड में जमा करवाया, वही साथियों उन कर्मचारियों का जो डीए था परसों आदेश देकर के उनका डीए रोक करके भी उन कर्मचारियों को मायूस करने का काम किया। आज लोग धीरे धीरे से आपके पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जहां लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं वही साथियों कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पहले आपस में चुनौतियों में दाढ़ बढ़ती थी, आज भी उसी तरह के हालात कांग्रेस के हैं। आज कोई कांग्रेस में रहने की बजाय आज फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। मैं कार्यकर्ता साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कार्यकर्ता साथियों ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अगर दिन में 2 घंटे का समय भी निकाल लिया, 2 घंटे लोगों से मिल करके बातचीत करके पुराने साथियों को फिर से अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कही, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने वाले समय में इस प्रदेश में फिर सत्ता पे काबिज हो जाएगी, कांग्रेस भाजपा सत्ता हो जाएगी। आप तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में मिले हुए हैं, उदाहरण आपके सामने है। सुभाष चंद्र को जिताने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया था, जहाँ सुभाष चंद्र को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिताया था, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का राज्यसभा का मेंबर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके सामने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा था, जबकि उस वक्त हम 35 थे तब भी 3रा मेंबर चुनाव में आया था। अब की बार तो कांग्रेस के पास केवल 31 थे, उसमें से 10 ऐसे लोग थे जो हुड्डा के खिलाफ वोट डालना चाहते थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार न उतार करके कहीं हुड्डा का आसान उतार रहे थे। जो लोग
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, आज चाहे वो जेजेपी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, आज दोनों की दोनों भाजपा की गोद में बैठ करके इस प्रदेश को कमजोर करने में लगी है, आज इस प्रदेश को लूटने में लगी है। जहाँ साथियों इस कोविड में इस महामारी के दौरान जब लॉकडाउन चल रहा था, जहाँ नशे की जो हमारे यहाँ पे खेपे आ रही थी, जो हमारे बच्चों को स्मैक पीना सिखा रही थी, जो हमारे बच्चों में चीटा बांट रही थी, जहाँ उस पर अंकुश लगाना चाहिए था, अंकुश लगाने के बजाय प्रदेश की सरकार कैसे हरियाणा प्रदेश में शराब का माफिया खड़ा हो, जो सरकारी गोदामों में शराब पड़ी थी, जिनके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट की कहीं से वो अपनी सील लगी हुई थी, उनके पीछे से दरवाजे तोड़ करके, पीछे से दीवारें तोड़ करके हजारों लीटर दारू जो है, जो 100 रुपए की बोतल थी 500-500 रुपए में बेच करके उन्होंने अपनी जेबों में पैसा डालने का काम किया। आज इसलिए हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान है, इसलिए लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर साथियों आप चाहते हो कि आपकी पार्टी फिर शिखर पे पहुंचे, फिर ऐसे लोगों को सबक मिले, तो फिर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव आने वाला है। उपचुनाव की तारीख कभी भी तय हो सकती है। मैं आपसे एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ, जहाँ बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जहाँ अपनी तरफ से वहाँ जो भी उसकी जान पहचान होगी, रिश्तेदारी होगी, भाईचारा होगा, जहाँ उससे बातचीत करेगा, भाई पूरे हिसार जिला से जहाँ आपके 5-6 कौन सी चुनसी जो आपकी लगती है, उन हर कौन सी चुनसी से 100-100 व्यक्ति अपने नाम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लिख करके पार्टी के जिला के अध्यक्ष को, पार्टी के हल्का के अध्यक्ष को दो, और केवल 3 दिन का समय आप लोग बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में आपकी पार्टी विजयी हो, कांग्रेस भाजपा और जनता का सुपड़ा साफ हो, इसके लिए साथियों 3 दिन पार्टी के लिए निकालने का काम करना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पार्टी वहां जीते इसके लिए 3 दिन का समय जरूर निकालोगे 3 दिन का समय। अगर आप 3 दिन का समय निकालोगे, अगर आप लिस्ट बना करके मुझे दोगे कि हमारे यहाँ से ये 500 कार्यकर्ता जो 3 दिन लगातार वहाँ जा करके पार्टी का प्रचार और प्रसार करेंगे, जहाँ पार्टी का प्रचार और प्रसार करोगे वहाँ उन लोगों को ये जरूर जा करके बताना कि किस तरह से हमारे साथ आज हरियाणा प्रदेश की सरकार बर्ताव कर रही है, किस तरह से हमें समझदार दिखा करके हमारा वोट लूट लिया गया था, किस तरह से आज हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी मिलनी चाहिए थी, आज उनको नशे की चपेट में, आज उनके बीच में नशे का वितरण करवा करके हमारी उस पीढ़ी को मारने का और कमजोर करने की काम कर रही है। जिस तरह से अलग अलग माफिया खड़े किए गए, उन माफियों का खुल करके जिक्र करना, जब आप 500 की संख्या में जाकर के 3 दिन लगातार उन लोगों से बातचीत करोगे, 100% आपका बात का असर मान करके वो लोग आपके पक्ष में अपना वोट डालने का काम करेंगे, और आपके पक्ष में जब वोट पड़ेगा, जब आपका नुमाइंदा जीत करके जाएगा, बंसीलाल ने भी ऐसी एक जोड़ जोड़ की सरकार बनाई थी, याद होगा सन 1996 में जब बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, बहुमत उनके पास भी नहीं था, उन्होंने भी जोड़ तोड़ की सरकार बनाई थी, उन्होंने भी बीजेपी को अपने साथ शामिल किया था, उस वक्त के कोई निर्दलीय जीत करके आए थे उनको भी साथ शामिल किया था, लेकिन वो जुगाड़ की सरकार केवल 3 वर्ष चली थी, 3 वर्ष में उस सरकार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। साथियों ये जो नई सरकार बनी है, इस सरकार में तो जिस दिन पहले दिन वोट हुई है उसी दिन सरकार के अंदर जो लोग शामिल हुए थे उनकी पार्टी के लोगों ने नुक्ताचीनी शुरू कर दी थी, आज तो पता नहीं उनके बारे में क्या क्या कहा और लिखा जाता है, आज तो जब लिखा आप पढ़ते हैं तो सभी को इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के दर्द होता है कि चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुए व्यक्ति को अगर कोई खोपर के नाम से संबोधित करे तो उसकी शर्म शायद उनको नहीं आती होगी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को 100% वो कार्यकर्ता महसूस करता होगा कि कैसे लोग इस घर में पैदा हुए जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को भी कलंकित करने का काम किया, केवल खोपर के नाम से संबोधित नहीं होते, यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये तो सौदा ही की में नहीं है, ये तो खत्म हुए लोग हैं। अगर साथियों आप चाहते हो कि ऐसे लोग जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक लगाया है ऐसे लोगों को सबक मिले, तो फिर हर हालत के अंदर 3 दिन समय निकाल करके बड़ौदा में जाना, आपके बड़ौदा में जाने से इस प्रदेश में बदलाव आएगा, ना केवल बदलाव आएगा बल्कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में होगी, आपका राज बनेगा, फिर से सरकार आपके द्वार लगेगी, फिर
बातचीत चल रही है। हम आपस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को भी सत्ता में नहीं देखना चाहते, जो बीजेपी और जेजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हरियाणा प्रदेश में हैं। उन सबसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं अभी किस किस्म के हालात बनते हैं। कोई एक दिन की बातचीत से कोई पार्टी में ये नहीं कहा जा सकता कि फलां आदमी आज मेरी पार्टी में शामिल हो जाएगा। मैं उनका स्वागत करूंगा, हम आपस में बातचीत करेंगे, फिर कोई देखेंगे आगे क्या करना है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है वो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ताओं से ही पार्टी को ताकत मिलती है। आप देख रहे हैं कि हर रोज हजारों की तादाद में हमारी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। अभी आपने यहाँ पे भी देखा, इस हाल में सैकड़ों लोग जो है पार्टी में शामिल हुए, जो आए हुए हैं, जो सैकड़ों हैं उनके साथ मान के चलो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अकेला आकर के शामिल होता है। उसके साथ अपना परिवार होता है, उसके साथ अपने रिश्तेदार होते हैं, उसके साथ अपना भाईचारा होता है। एक एक आदमी कम से कम 50 से 100 वोट का मालिक होता है, तो जो सैकड़ों लोग शामिल होंगे तो उसको आप हजारों में मान के चलो तब्दील कर सकते हैं। और ये तो पहला चरण है, लॉकडाउन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ, उससे पहले लोगों में इस तरह की एक उत्साह है, इस तरह का एक उत्साह है सरकार के प्रति जो आज हमारे साथ शामिल हो गए। अगला जो चरण आएगा उस चरण में आप देखना, आपको ऐसा रंग चढ़ावा दिखेगा लोगों पे जैसे लोग आज कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जैसे कोई चुनाव का समय बिल्कुल सबके ऊपर आ जाए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा झूठ बोल करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है। अगर ये लोग अपनी कई भी बात पे कहीं खरे उतरते तो हम भी 100% लोगों का स्वागत करते, हम भी कहते हैं कि भी इन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को सरकार के गिरवी रखा है, इसलिए लोग दुखी हैं, परेशान हैं। जहाँ इनसे दुखी है वही बीजेपी और कांग्रेस से भी उतना ही लोगों को आज दिक्कत है। कांग्रेस में कोई आदमी अगर मान लो कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चला गया तो उसको शैलजा जी स्वीकार नहीं करता, अगर कोई शैलजा जी पे चला गया उसको सुरजेवाला स्वीकार नहीं करेगा, कोई सुरजेवाला पे चला गया तो उसको किरण स्वीकार नहीं करेगी। वहाँ इतना बड़ा विवाद है, इसलिए लोग उस कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। अब वो कांग्रेस को छोड़ करके केवल और केवल जिस लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज देखा है वो फिर से हमारे साथ आना चाहता है, इसलिए लंबी कतार लोगों की शामिल होने वालों की है। ये मान के चलो जब नेक्स्ट राउंड होगा मेरा उसमें बहुत बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट राउंड में क्या हरियाणा जैसे हिसार जिले की हम बात कर रहे हैं, पुराने जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता थे तो फिर से संपत सिंह सुभाष गोयल जी क्या मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर हलकों के विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम बनाऊँगा और हलकों में लोगों की ज्वाइनिंग कराऊँगा। उसके बाद मेरा जो तीसरा चरण होगा वो विलेज टूर का होगा, फिर मैं गाँव का टूर करूँगा, बड़े बड़े गाँव में जाऊँगा और बड़े बड़े गांव में फिर वहाँ आस पड़ोस के गांव के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ूंगा। 100% आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन सबसे बड़ा होगा, और जहाँ संगठन हमारा बड़ा होगा वहीं आप ये मान करके चलो कि आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.